दिस इज द सोलंग वैली। सोजी ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट प्रीतोष। एंड भाई हम सुबह सुबह उठ के फुल्ली तैयार हैं। बस मैं सोच रहा हूं कि गम्बूट पहन लूं, बारिश हो गया या ठंड लग गया तो भाई लेने की देनी, तो गम्बूट पहन लेते हैं, कोई प्रॉब्लम और नहीं बचेगी। तो अभी टाइम हो रहा है 6:04 एंड 6:30 तक यहाँ से निकल जाना है। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये औसम वाला सफर। भाई बारिश तगड़ी आने वाली है, ये श्योर है, तो गम्बूट ही पहन लेते हैं, वही काम आएगा। आज का जो सफर होगी, हम निकलेंगे मनाली से लेह की ओर। देखते हैं रास्ते पे कहीं पे एक रुक जाएंगे, रात जब हो जाएगा, जब शाम के 4, 3:30, 4 या 4:30 इसके अंदर जो भी एक प्लेस आएगा वहीं पर रुक जाएंगे, बस होम स्टे वगैरह लेंगे एंड रुक जाएंगे। खत्म कहानी गुरु, लेट्स रॉकेट। चलते हैं, नेगी भैया को बोल देंगे कि भाई गुड। नेगी भैया नहीं नहीं तो लेट हो जाऊंगा। हाँ चाय हो सकता है, चलते हैं भैया, मैं तो लेह की तरफ जा रहा हूँ। सो जी निकल चुके हैं यहाँ से एंड पता है रेनकोट विथ गम बूट, बस ठंड ना लग जाए इसलिए ये सारी तैयारी है। एंड भैया लोगों की ये थार है, भैया लोग निकल रहे हैं चंद्रताल के लिए। कोई नहीं, उनके पास 4x4 है, हमारे पास तो 1x2 है। चलते हैं। ओ हो हो हो, देखो देखो सर के ऊपर से ही बादल जा रहा है, और क्या चाहिए। मस्त वाले वेदर में हम निकल चुके हैं लेह की तरफ। देखते हैं कहाँ जाते हैं। भैया तो बोल रहे थे बेटा जिस पर में रुक जाना, आगे जाओगे तो होम स्टे वगैरह नहीं मिलेगा, ऐसा वैसा। कैसा भी हो, बस हम तो निकल गए गुरु, अब जो होगा सोचा जाएगा, देखा जाएगा। रेनकोट मेरे सीट के नीचे है एंड हम तो बस राइडिंग गियर्स पहन के आ गए। अब क्रॉस करेंगे मनाली एंड मनाली से आगे आराम से जाएंगे। मैंने मैप नहीं लगवाया हूँ क्योंकि ये वाला रोड है ना, वही सिंगल रास्ता है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, तो मैप क्यों लगा नहीं। एंड आगे चल के मैं सोच रहा हूँ कि जांचकर की तरफ भी चला जाऊँ, कोई अभी तक फाइनल नहीं है, कुछ भी फाइनल नहीं है। जो भी होगा आपको आगे रास्ते में बताते हुए चलेंगे। फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 6:54 एंड आज का डेट है 29th of May। भाई मई का महीना ख़त्म होने वाला है एंड यहाँ पे वैसे भी अभी बारिश और विंटर का सीज़न आने वाला है। यहाँ पे जब बारिश होता है ना तो भैया बोल रहे थे भाई 10 से नीचे चला जाता है, तो अब भी जाता है 12-11 ऐसा रहता है। एंड भाई ये वाला, ये कल रात को ही मैंने प्लेस कर दिया था एंड भाई बोल रहे थे कि ये काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी गुड होता है, शुभ होता है, तो भाई अच्छा है हमारा भी ट्रिप अच्छे से ख़त्म हो जाए एंड रास्ते में कोई दिक्कत तो ऐसे नहीं होने वाला। एंड काफ़ी अच्छा रोड अभी तक बन चुका है ऐसा भैया का कहना है, तो भाई आगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। नहीं तो नेगी भैया है ही, नेगी भैया जिंदाबाद, उनको फ़ोन करेंगे, वापस ही आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट्स गो मैन। वी आर क्रॉसिंग मनाली एंड ऊपर जो है ना कल रात को भाई बर्फबारी हुई है ऐसा मेरा कहना है एंड पहाड़ियों का भी कहना है। आप लोग देखिए कल जितना बारिश, कल जितना बर्फ था आज उससे ज़्यादा हुआ है, तो ऊपर शायद कल जब यहाँ पे बारिश हो रहा था तब वहाँ पे बर्फबारी हो रहा था एंड स्नोफॉल हो रहा था। दिस इज द सोलंग वैली एंड वही रिवर है
एंड द व्यू फ्रॉम हियर इज ऑसम। इस तरफ देखिए बर्फबारी कल जितनी थी आज उससे ज़्यादा है, वहाँ ऊपर कल नहीं था आज है, एंड उस तरफ भी बहुत ही ज़्यादा है। तो बस यही व्यूज को एंजॉय करते हुए हम आगे निकलेंगे एंड मज़े लूटेंगे। सो हेलो टू सोलंग वैली। सोलंग वैली में रुकने का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं बनता भाई। भाई यहाँ पे इतने सारे शॉप्स हैं, बस ये स्वेट ड्रेस देने के लिए। भाई स्वेट ड्रेस तो होता ही नहीं है, बस कपड़ा होता है। एंड इतना ज़्यादा खराब कपड़ा है कि और क्या बताऊँ। बस व्यू देखो, ये देखो इतना मेला। ओहो हो हो, ये पहन के तो आदमी ऐसे ही मर जाए, और मरने की नौबत ही नहीं आएगी आपको। कोई नहीं गुरु, आप खुद ब खुद समझ जाओ एंड बचो। ये देखो ये ड्राइवर तो नहीं पहना है, बाकी सबको क्यों पहना दिया? ड्राइवर वहाँ नहीं जा रहा है क्या? अकॉर्डिंग टू BRO हर काम देश के नाम। जय श्री गणेश। चलिए आज BRO के नाम से शुरू करते हैं, जो कि ये हमारे लिए रोड बनाते हैं। BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। भाई ये हमारे लिए रोड्स बनाती हैं, रोड्स को साफ करती हैं, एंड पूरे ये जो ट्रैफिक है उनको कंट्रोल करती है। यानी कि पूरा इस तरफ का काम ना पुलिस का नहीं होता है, BRO का होता है। तो हेड्स ऑफ टू BRO। ट्रैफिक कंट्रोल करती है मतलब ट्रैफिक पुलिस नहीं है, बस रोड को क्लीन करती है, साफ करती है। कहीं पे भी लैंडस्लाइडिंग हो जाए तो BRO के वर्कर्स एंड उनके लेबर सारा कुछ काम करते हैं। एग्जैक्टली यहाँ से शुरू होता है सोलंग वैली, एंड यहाँ पे तो भाई लोग पूरा व्यू का मज़ा लेने के लिए अपने अपने सनरूफ से बाहर निकल चुके हैं। एंड कोई कोई तो भाई साइड से निकला हुआ है। ऐसे साइड से मत निकलो यार, ऐसे भी सनरूफ से चलती हुई गाड़ी से निकलना गैर कानून है। यहाँ से व्यूज काफी अच्छी लगती है, लेकिन बर्फ एक अंडर पास नहीं है, स्नो प्रोजेक्ट है। जब पहाड़ियों के ऊपर से स्नो आता है ना, ये एरिया बंद हो जाता है, इसीलिए ये वाला सेक्शन को बनाया गया है ताकि इसके ऊपर से स्नो निकल जाए। आगे आप देख रहे हैं ना कैसे बनाया गया है। बस सही है, सही है, बस सही है, सही है, बिल्कुल सही है। हमारे BRO ना रोड्स एंड ये तो इलेक्ट्रिक काम भी उनका ही होता है, तो काफ़ी अच्छी तरीके से कर रखे हैं। एंड यहाँ के जो पेड़ होते हैं ना एकदम सीधे सीधे बिल्कुल ऊपर की तरफ, शायद धूप सेकने के लिए उनको लंबा होना पड़ता है, क्योंकि घने जंगल में इनको भी धूप चाहिए होता है पेड़ों को, तो वो ऊपर जाते रहते हैं। फिलहाल आगे का तो व्यू पता नहीं, लेकिन शायद ये क्या है, बादल है क्या, बारिश होगा? नहीं, बारिश तो नहीं होने वाला ऊपर भाई, अगर होगा तो स्नोफॉल ही होगा। एंड मुझे दिख रहा है यहाँ पे नीचे थोड़ा थोड़ा सा स्नो है, पानी के साइड साइड में। आपको तो दिख नहीं हो रहा होगा, लेकिन मुझे भाई ज़रूर दिख रहा है। हाइट अटेनिंग कर रहे हैं एंड अभी से मेरा हाथ सुन पड़ा हुआ है। विंटर ग्लव्स लेनी पड़ेगी भाई साहब ऊपर चल के, नहीं तो मज़ा आ जाएगा। एंड ऐसी हालत में हम मज़ा और सजा दोनों नहीं ले सकते, बस आराम आराम से चढ़ सकते हैं, नहीं तो ट्रक वाले के पीछे लग जानी है। दो दिन तीन दिन में तो ले पहुंच ही जाएंगे।
हम ऐसे भी दो दिन में पहुंचेंगे, वो भी ऐसे ही दो दिन में पहुंचेंगे, तो कोई बात नहीं, दो दिन में पहुंच जाएंगे उनके पीछे पीछे चल के, लेकिन उनके पीछे पीछे नहीं चल पाएंगे। एंड भाई दिस इज द गेट ऑफ अटल टनल एंड दिस इज द एंट्री ऑफ अटल टनल। नहीं सर जी, थैंक यू। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, भैया पेट्रोल तो आप नहीं कैरी किए हैं? एंड यहाँ पे रुक के फ़ोटो खींचना बिल्कुल बना है, इलीगल है, आप फोटो नहीं खींच सकते। एंड वेलकम टू अटल टनल भाई, हियर वी एंटर्ड अटल टनल। आप 40 से ऊपर के स्पीड से नहीं चला सकते। एंड और क्या, यहाँ पे सारे कुछ कैमरेस लगे हुए हैं। एंड जब ये अटल टनल नहीं था ना, तो आपको रोहतांग पास होते हुए जाना पड़ता था, तो तब बड़ी दिक्कत होती थी यार, वो इतना ज़्यादा चढ़ाई है कि क्या बताऊँ। फिलहाल तो ये काफ़ी आसान कर दी है एंड काफ़ी अच्छे से, काफ़ी मज़े से आपको पार करवा देती है, इतना बड़ा रोहतांग पास को बाईपास करा देती है। फिलहाल सारे तो स्पीड से चल रहे हैं, हम क्यों स्लो से चले, हम भी चलते हैं स्पीड से, 40 की स्पीड है। एंड नो स्टॉप एंड नो पार्किंग भाई, आप यहाँ पे रुक नहीं सकते, पार्क नहीं कर सकते। फिलहाल मैं तो अभी 70 की स्पीड से चल रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है भाई 60 की स्पीड से चल, तो 70 ठीक है, 10-11 ऐसे वैसे हो जाता है। बीच बीच में ना ये देखिए 80 इस तरफ 420, बीच बीच में ना बने हुए हैं कुछ सेफ हाउसेस। अगर ये टनल को कुछ हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। देखे ना अभी फायर सेफ्टी, तो बस वही यार, यहाँ पे फायर सेफ्टी भी है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो बीआरओ आपके साथ है, आप फायर सेफ्टी के अंदर चले जाए एंड वहाँ पे जाके आप वेट करें। ये देखिए एग्जिट बैरक नंबर 12, बहुत सारे हैं, एक ही नहीं है, क्योंकि ये भाई वर्ल्ड का हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट टनल है। एंड बाकी तो कितना किलोमीटर है, कितना हाइट पे है, सारा कुछ मैं नीचे यहीं पे कहीं पे एक लिख दूंगा, यहाँ पे नहीं यार, नीचे आपके स्क्रीन पे कहीं पे एक लिख दूंगा। तो चाहिए जो भी आप देख रहे हैं, मज़े लूटिए, एंड मैं भी तो भाई लूट रहा हूँ। ये दिस इज द व्यू फ्रॉम अटल टनल भाई, अटल टनल से ये व्यू है एंड कुछ इस तरह का नज़ारा है। एंड दैट्स ऑसम मैन, नो नेट ब्रो, थैंक यू। तो बस यहाँ पे थोड़े देर खड़े रहते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे। पीछे अटल टनल है एंड सोलंग वैली तो कवर कर चुके हैं। रोहतांग इस तरफ है, ये वाला रास्ता वो आपको दिख रहा है ना, ये रास्ता, रुकिए, हाँ जी वही रास्ता है इस तरफ, एंड इस तरफ है ले मनाने वाला रास्ता। तो हम इसी रोड पे अभी मूव ऑन होने वाले हैं, चलते हैं आगे। पूरा माउंटेन है ना, इसको कवर करना पड़ता था रोहतांग पास होके, तो ये पूरा रोड को अभी ये क्रॉस कर चुके हैं। फिलहाल ये जो हाइट है 10,000 feet हाइट है एंड दैट्स इट मैन, एक दो फोटो खींचते हैं फिर निकलें। अटल टनल एंड
यहाँ से निकल रहे हैं अटल टनल से, आगे चलेंगे, आगे कहीं पे एक अच्छा सा खराब सा होटल देख के खाना खाएंगे एंड दैट्स द व्यू गुरु प्रोजेक्ट दीपक चंद्र ब्रिड्स एंड रोहतांग पास यहाँ से 27 किलोमीटर है लेकिन रास्ता बड़ी चंगी है काजा एंड सुडमो इस तरफ ले है सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स ले रोहतांग पास हम नहीं जाने वाले ऐसे भी हमें रोहतांग पास जाने के लिए परमिशन चाहिए जो हम लाके ही नहीं आए हैं एंड यहाँ तक भाई देखो बर्फ है स्नो पिघल के यहाँ तक आया है एंड यहाँ तक अभी भी बर्फ है तो चलो जी निकलते हैं यहाँ से लेह जो बसता है अराउंड समथिंग 396 किलोमीटर बसता है एंड केलंग 36 उदयपुर 70 उदयपुर क्यों जाएं हम पदुम 210 पदुम जा सकते हैं लेकिन पदुम नहीं जाएंगे गुरु पहाड़ियों से पानी गिर रहा है ना कितना अच्छा दिख रहा है फिलहाल ये एक चेक पॉइंट है जहाँ से आपको चेक करके कुछ फीस देने पड़ते हैं बीआरओ को एंड दैट्स द व्यू भाई गजब है गुरु। सो यहाँ पे चल रहा है बीआरओ का काम एंड हैट्स ऑफ टू देम हमेशा हमारे लिए रास्ते सही करते रहते हैं एंड हमें ये जो आगे व्यूज है ना वो दिखाते रहते हैं बस तो सही है गुरु सही है अटल टनल से निकले ही हमें भूख लग गया यहाँ पे बैठेंगे खाना वाना खाएंगे फिर आगे चलेंगे कोई जल्दी नहीं है हमें तो ठहरे भाई नल्ले आदमी यहाँ पे बैठ के खाएंगे हाँ जी नहीं अच्छा मुझे लगा भैया बुला रहे हैं यहाँ के बैठ के मैगी एंड आमलेट खाएंगे मैगी एंड आमलेट खाएंगे विद सॉसेस आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए एक स्टार्टर डालते हैं फिर खाते हैं मौसम को एंजॉय करते हैं रोड्स अभी तक फिलहाल काफ़ी अच्छी हैं एंड हेड्स ऑफ टू हिमाचल एंड बीआरओ चलिए खाना खाते हैं फिर निकलेंगे भाई इस ऑसम वाले नज़ारे में मैगी के साथ आमलेट एंड ऑसम वाले मौसम में ये ऑसम व्यूज़ और क्या चाहिए आपको बस यही बता दो